एवरीवन कैसे हैं आप सब होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट वेलकम बैक वंस अगेन टू द विनिंग एट्स यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में दैट इज क्लॉक एंड कैलेंडर सो दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सैनिक स्कूल और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझेंगे कुछ बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा सा टफ लगता है बट अगर आप सारे प्रिंसिपल्स या सारे कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझेंगे तो इतना भी मुश्किल नहीं है टॉपिक तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्लॉक एंड कैलेंडर में हमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों सबसे पहले क्लॉक का कॉन्सेप्ट समझते हैं क्लॉक तो डेली हम सब यूज़ करते हैं ठीक है आजकल आप डिजिटल क्लॉक यूज़ कर रहे हैं बट जो वॉल क्लॉक होती है जिसमें जो है आप अपना टाइम देखते हैं तो उसमें हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स में

ये सुई जो छोटी वाली सुई है ये आपकी बड़ी वाली सुई है ठीक है आर हैंड योर मिनट हैंड और ये आपकी सेकेंड्स की सुई है जिससे कि अभी आपको इस क्लॉक में टाइम दिखाई दे रहा है कि दस बज के लगभग दस मिनट अभी नहीं हुए हैं दस बज के नौ मिनट हुए हैं तो आप टाइम को इवेल्युएट करते हैं तो जो मिनट वाले हैंड को हम क्या बोलते हैं मिनट हैंड और जो घंटे वाले सुई है आर वाले हैंड को हम क्या बोलते हैं आर हैंड शॉर्ट में ठीक है मिनट हैंड और आर हैंड So, यही आपके क्लॉक के जो फोर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो क्लॉक का डायल है जो आर हैंड है और जो मिनट हैंड है ठीक है इतना आई थिंक सबको समझ में आ गया है जो आपका शॉर्ट हैंड है ठीक है आर हैंड अब हमें ये समझना है कि क्लॉक में जब हम टाइम देख रहे हैं जो कि आवर्स मिनट्स और सेकंड्स में है आपका क्लॉक का टाइम तो यू हैव टू रिमेंबर कि एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं वन मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड्स ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है देन वन आवर में कितने मिनट्स होते हैं एक घंटे में वन आवर इज इक्वल टू सिक्सटीन मिनट्स ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है ठीक है फिर आधा घंटा मतलब कितना हो जाएगा हाफ एन आवर ठीक है आधा आधा घंटा घंटा लगभग हाफ आवर हो जाएगा ठीक है का हाफ हो जाएगा थर्टी मिनट्स ये भी सिंपल है और अगर हम बात करें फिफ्टीन मिनट्स की ठीक है अगर हम बात करें फाइव टेन फिफ्टीन मिनट्स ठीक है फिफ्टीन मिनट्स कितना हो जाएगा आपका वन फोर्थ हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे क्वार्टर एक घंटे का वन फोर्थ जैसे हम बोलते हैं क्वार्टर जैसे कि आपका एक फ्रैक्शन होता है तो ये सर्कल आपका पूरा फ्रैक्शन है ये आपका हाफ हो गया और ये आपका वन फोर्थ हो गया दैट इज क्वार्टर ऑफ एन आर इतना सबको याद रहेगा कि क्लॉक में हम क्या व्यू करते हैं हम समय व्यू करते हैं टाइम और टाइम को हम आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स इन तीनों में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है ठीके? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जब दोनों क्लॉक के जो दोनों हैंड्स हैं हम कौन से हैंड्स की बात कर रहे हैं आवर्स और मिनट्स हैंड की वेन बोथ हैंड्स आर फिफ्टीन मिनट स्पेस अपार्ट दे आर एट राइट एंगल ये सारे कॉन्सेप्ट आपको <laughs> याद रखे हैं याद रखना है कि वेन बोथ द हैंड्स आर फिफ्टीन मिनट्स अपार्ट देन वी कॉल इट एज अ राइट एंगल ठीक है उन दोनों उन दोनों एरोज ने उन दोनों हैंड्स ने क्या बनाया है राइट right एंगल जब वो थर्टी मिनट अपार्ट होते हैं ठीक है बोथ मिनट एंड आर हैंड जब वो थर्टी मिनट्स अपार्ट होते हैं तो वो क्या होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ठीक है ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और जब वो सेम स्ट्रेट लाइन में होते हैं एक ही हैं, हैं क्लॉक में और ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है बच्चों वो क्या है और क्या है कि बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक अकर एट राइट एंगल इन ट्विस्स इन वन आर ट्वेंटी टू टाइम्स इन ट्वेल्व आवर एंड फोर्टी फोर टाइम्स एंड ट्वेंटी फोर आवर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि दो क्लॉक के दोनों हैंड्स हैं वो राइट एंगल पर कब होते हैं एक घंटे में दो बार होते हैं बारह घंटों में बाईस बार होते हैं और चौबीस घंटे में ट्वेंटी फोर आवर्स में वो फोर्टी फोर टाइम्स होते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक अकर इन स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन में कब होते हैं या ऑपोजिट कब होते हैं वनस इन वन आर इलेवन टाइम्स इन ट्वेल्व आवर्स एंड ट्वेंटी फोर आवर ये भी आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों याद रखना है नेक्स्ट इज द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक को इनसाइड टूगेदर ठीक है को इनसाइड वन इन एन आवर एंड इलेवन टाइम्स इन ट्वेल्व आवर एंड ट्वेंटी टू टाइम्स इन ट्वेंटी फोर आवर बाईस बार ट्वेंटी फोर आवर्स में को इनसाइड करते हैं ठीक है ये जो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक हैं ठीक है ठीके? तो ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं मिनट हैंड और आर हैंड के रिगार्डिंग हम सबको याद रखने हैं अब नेक्स्ट बच्चों हमें ये समझना है कि क्लॉक पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस एग्जाम में किस किस तरह के आ सकते हैं ठीक है ये तो हमने समझ लिया आर हैंड होता है मिनट हैंड होता है एक सेकंड्स की सुई होती है और कितनी बार वो कोइंसाइड करते हैं कितनी बार राइट right एंगल बनाते हैं अब क्वेश्चंस जो हमें एग्जाम्स में वो पूछ सकते हैं और डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन पूछ सकते हैं या तो वो हमसे पूछ सकते हैं वट इज़ द एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या आर्ज इन अ क्लॉक uh, तो एक क्लॉक में जैसे ये दो कॉन्जिकटिव नंबर्स हो गए ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए कोई भी दो कॉन्जिकटिव नंबर्स या जो घंटे हैं उनके बीच में वो हमसे पूछ सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये हमें समझना है ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे या वो हमें कुछ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन देख दे सकते हैं कि जैसे एक बस ने ट्रेन को लीव करा इतने बजे दूसरी बस इतने बजे गई तो वो पहली वाली बस जो है उससे कितना पहले गई थी तो कुछ इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन वो दे सकते हैं टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकते हैं या कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें क्लॉक से रिलेटेड वाटर इमेज या मिरर इमेज से रिलेटेड होते हैं बट वो क्वेश्चन अभी आपके लेवल पे नहीं आते और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे कि वट इज द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आर एट सेवन थर्टी ठीक है या तो दो के बीच में पूछ रहे हैं या पूछ रहे हैं याट इज द एंगल बिटवीन द मिनट दिन आर जैसे कोई भी टाइम दे दिया आपको टेन ट्वेंटी टाइम दे दिया सेवन थर्टी टाइम दे दिया उसमें वो आपसे पूछेंगे कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए ठीक है कि आपकी ये जो क्लॉक है ठीक है ये जो आपकी क्लॉक है तो ये पूरा कितने डिग्री का एंगल होता है ठीक है तो आपको पता है कि पूरा जो है आपका वन आर में वन आर में कितने होते हैं बच्चों होते हैं आपके पूरे टोटल होते हैं 360 डिग्री ठीक है वन आर में कितने होते हैं आपके होते हैं 360 डिग्री तो आपके वन आर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स ठीक है वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स अभी अभी हमने समझा था तो इसका मतलब क्या हो गया 60 मिनट्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री है ना सिक्सटी मिनट्स बराबर थ्री सिक्सटी डिग्री तो अगर हम कैलकुलेट करें वन मिनट वन मिनट कितना हो जाएगा हम थ्री सिक्सटी को डिवाइड करेंगे सिक्सटी से जब हम थ्री सिक्सटी को डिवाइड करेंगे सिक्सटी से तो हमें क्या मिलेगा सिक्स <coughs> डिग्री तो इससे हमें ये समझ में आता है कि वन मिनट इज इक्वल टू सिक्स डिग्री ये आप सबको याद रखना है ठीक है वन मिनट इज इक्वल टू सिक्स डिग्री ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है जब हम मिनट हैंड के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी समझते हैं आर हैंड के बारे में अगर मैं आपको बोलती हूं कि अगर आपकी सुई अभी अभी तीन बज रहे हैं तो दोबारा तीन पे कब आएगी तो वो पूरे बारह घंटे बाद आएगी दोबारा तभी तीन बजेंगे ठीक है तो अभी हमें निकालना है आर हैंड को अभी अगर हमें डिग्रीज में कैलकुलेट करना है तो टोटल एक घड़ी में कितने घंटे होते हैं वन टू थ्री फोर बारह घंटे होते हैं तो ये जो बारह घंटे होते हैं ट्वेल्व आवर्स ये टोटल मिला के कितने डिग्रीज बनाते हैं ये बनाते हैं आपके बच्चों थ्री सिक्सटी डिग्री ट्वेल्व आवर्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री सो वन आवर इज इक्वल टू एक घंटा कितना होगा थ्री सिक्सटी अपॉन ट्वेल्व ठीक है थ्री सिक्सटी को हम ट्वेल्व से डिवाइड कर देंगे ट्वेल्व वन जो ट्वेल्व तो ये निकल के आता है थर्टी डिग्री तो आपका कितना हुआ ये थर्टी डिग्री तो हम दो के बीच में ये आपका थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री और ये आपका जो पूरा बनाता है कितना बनता है आपका थ्री सिक्सटी डिग्री तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स uh, के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है दैट इज थर्टी डिग्री ठीक है सो वन आर इज इक्वल टू थर्टी डिग्री अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं तो अगर हम इसको मिनट्स में चेंज करते हैं ठीक है तो अगर हम बोल रहे हैं ट्वेल्व आरज इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री ठीक है हम क्या बोल रहे हैं ट्वेल्व आवर्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री अब हम बारह घंटों को हम मिनट में चेंज कर रहे हैं ठीक है तो हम बोलेंगे ट्वेल्व इंटू सिक्स इंटू सिक्स आपका क्या हो जाता है सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री ठीक है सेवन ट्वेंटी इज इक्वल टू सिक्स डिग्री सेवन ट्वेंटी जो मिनट है आपकी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री तो वन मिनट कितना होगा आपका थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाय सेवन ट्वेंटी ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका हाफ हाफ डिग्री ठीक है वन मिनट कितना हो जाएगा हाफ डिग्री या हम इसको क्या बोल सकते हैं जीरो पॉइंट फाइव डिग्री तो जब हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं एक मिनट के हिसाब से देख रहे हैं तो बच्चों कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव डिग्री तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हमारे जो घंटे वाली सुई है या आर हैंड दैट ट्रेवल्स हाफ डिग्री या जीरो पॉइंट फाइव डिग्री इन वन मिनट इज दैट क्लियर तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि इसमें हमें किस तरह के सिंपल क्वेश्चंस ऐसे एंगल्स वाले आ सकते हैं जैसे कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में दे मेंस्टर्स दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू कॉन्जिकटिव नंबर्स इन अ क्लॉक तो कोई भी टू कॉन्जिकटिव नंबर्स के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है और अभी अभी हमने सॉल्व किया था कि टू कॉन्ज टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में एंगल कैसे हम निकालते हैं कि हमें पता है कि पूरे बारह घंटे हैं और बारह घंटे इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्रीज ठीक है और उससे हमने एक घंटे का निकाल लिया था थर्टी डिग्री तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा कि ट्वेल्व आवर्स इज इक्वल टू थ्री डिग्री सो वन आवर इज इक्वल टू थ्री डिवाइडेड

एक सू सेवन पे है एक सू सिक्स पे एक्जैक्टली कहाँ पे हमें नहीं पता तो हमसे पूछ रहे हैं कि सेवन थर्टी पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा तो हमें पता है एक घंटे में तो तीस डिग्री का एंगल बनता है ठीक है और आधे घंटे में या तीस मिनट में जो एंगल बनता है वो पंद्रह डिग्री का बनता है तो सेवन थर्टी पे एंगल क्या हो सकता है कि थर्टी प्लस फिफ्टीन तो आपका एंगल हो सकता है 45 डिग्री का एंगल बन सकता है बट इसको हम एक प्रॉपर फार्मूला की तरह आ, के बेसिस पे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो एंगल निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला में हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जब जो जब वो हमसे पूछते हैं कि मिनट और आर हैंड में आ, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसके लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो अब इसमें हम क्या फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहां पे उन्होंने कभी भी हमसे पूछा है कि हमें एंगल फाइंड करना है बिटवीन द मिनट एंड द आर हैंड और हमें कुछ भी टाइमिंग दे रखा है तो उसके लिए बच्चों हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं और वो फार्मूला क्या होता है दैट इज इलेवन अपॉन टू इंटू मिनट्स माइनस थर्टी इंटू आर तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं तो अभी हमारे मिनट्स कितने हैं हमारे मिनट्स हैं थर्टी और हमारे आर्स कितने हैं हमारे आर्स हैं सेवन ठीक है टू फिफ्टीनजा फ़िफ्टीन इंटू अलेवन करेंगे हम वन सिक्सटी फाइव माइनस थर्टी इंटू सेवन करेंगे टू हंड्रेड टेन ठीक है 210 में से हम 165 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 45 तो आपका कितने डिग्री का एंगल बनेगा 45 डिग्री का बनेगा जो यहाँ पे नेगेटिव आता है आप उसको छोड़ दीजिए क्योंकि आपका एंगल जो बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा एंगल तभी भी नेगेटिव आता है क्योंकि जो आपकी जो मिनट्स वाली सुई है उसने अभी आर हैंड वाली सुई को अभी क्रॉस नहीं करा है तो एंगल नेगेटिव आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है सो आपका फोर्टी डिग्री का एंगल बनेगा तो ये वाला जो एंगल जो है आपका अंदर वाला एंगल बनता है अगर ये बाहर वाला एंगल हमसे पूछा जाएगा तो हम 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे ठीक है तो ऑप्शंस में ज़्यादातर जो ऑप्शंस में आप क्योंकि एंगल तो दो तरह से बन सकते हैं बट हमें आंसर में जो आते हैं वो अंदर वाला ही ऑप्शन में जो आपको सारे एंगल्स दे रखे होंगे इनकेस अगर इंटीरियर एंगल की जैसे फोर्टी डिग्री या सारे एंगल्स कम में नहीं दे रखे एक्सटीरियर वाले दे रखे हैं मतलब ज़्यादा फिगर दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप थ्री में से माइनस करके चूज़ कर देंगे ठीक है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं so, चलिए एक और ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब आपको बताना है एट फोर्टी पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है अगर आप क्विकली सॉल्व करके बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताइए आपको सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है जो फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन करा थिंक सबका आंसर आ गया होगा ठीक है तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है ट्वेंटी डिग्री ठीक है जो आपका करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ट्वेंटी डिग्री यही फॉर्मूला में हमने ये वैल्यूज पुट करी हैं, एट फोर्टी की इलेवन अपॉइंट टू इंटू फोर्टी माइनस थर्टी इंटू एट सो द आंसर दैट यू विल गेट इज ट्वेंटी डिग्री एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं वट इज एंगल बिटवीन द आर हैंड ट्वेंटी अब हमसे पूछ रहे हैं छह बज के बीस पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी सिंपल वैसे ही है आपको कैलकुलेट करना है ठीक है इलेवना पॉइंट टू मिनट माइनस थर्टी आर इलेवन अपू आपके मिनट हैं ट्वेंटी माइनस थर्टी आपके आर है सिक्स ठीक है टू टेन ठीक है इलेवन टेन सा हो जाता है एक सौ दस माइनस थर्टी इंटू सिक्स हो जाता है वन एट्टी सो आपका एंगल जो बनता है थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाता है सेवेंटी डिग्री सो सेवेंटी डिग्री विल बी योर आंसर आई होप सबका करेक्ट आया होगा बहुत ही ईजी है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना अब इसके बाद अगली तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमें क्लॉक पे आ सकते हैं सो so ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अब बस लीव फॉर डेली एवरी थर्टी मिनट्स फ्रॉम अ बस स्टैंड सो so, ध्यान से आप ऑब्जर्व करो सारे स्टेटमेंट्स कि बस स्टैंड से एक बस निकलती है हर आधे घंटे के बाद या पहली चीज क्या है एवरी थर्टी मिनट्स ठीक है एन इंक्वायरी क्लर्क राम टोल श्याम अ पैसेंजर दैट द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट टेन मिनट्स अगो तो बस कब निकल चुकी है दस मिनट पहले निकल चुकी है और अगली बस निकलेगी नौ बज के मिनट पे ठीक है बस दस मिनट पहले निकल चुकी है अगली बस लीव करेगी नौ बज के पैंतीस मिनट पे सो एट वॉट टाइम डिड द इंक्वायरी क्लर्क गिव दिस इंफॉर्मेशन टू श्याम लाल बहुत सिंपल सा है पर उन्होंने घुमा दिया आपको वो क्या पूछ रहे हैं ये जानकारी ये इंफॉर्मेशन इंक्वायरी क्लर्क ने श्यामलाल को कब दी कितने बजे उसने ये जानकारी श्यामलाल को दी तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम्स में आते हैं तो अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो क्विकली आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए नहीं तो मैं आपको बता रही हूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो पहली चीज क्या है कि हर तीस मिनट में बस निकलती है तो आ, अभी जो उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट बस विल लीव एट नाइन थर्टी फाइव तो नाइन थर्टी फाइव से तीस मिनट पहले ठीक तो है वो कितने बजे निकल चुकी थर्टी फाइव में से जब हम तीस मिनट बैक करते हैं तो मतलब नौ बज के पांच मिनट पे ठीक है फिर इंक्वायरी क्लर्क ने ये इंफॉर्मेशन कब दी अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट टेन मिनट्स अगो बस जो है दस मिनट पहले ही जा चुकी है तो इंक्वायरी क्लर्क ने इन्फॉर्मेशन कब दी क्योंकि नौ बज के पाँच मिनट में जब हम दस और जोड़ते हैं तो मतलब नौ बज के पंद्रह मिनट पे इंक्वायरी क्लर्क ने ये इन्फॉर्मेशन दी है क्योंकि पहले वाले स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल गया कि जो बस है हर आधे घंटे में निकलती है तो एक बस जो है वो नौ पैंतीस पे निकल चुकी है तो उससे आधे घंटे पहले वाली बस कब निकली होगी नौ बज के पांच मिनट पे और जब इंक्वायरी क्लर्क से ये जो पूछा गया है ठीक है पैसेंजर ने जब उससे जानकारी मांगी थी तो बस उसने बताया था कि द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट टेन मिनट्स अगो तो टेन मिनट्स को हम इसमें प्लस करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों दैट इज नाइन फिफ्टीन ए एम एक और क्वेश्चन बच्चों प्रैक्टिस करते हैं इफ द टू हैंड्स इन अ क्लॉक आर थ्री मिनट्स डिविजन अपार्ट देन द एंगल बिटवीन देम वो क्या बोल रहे हैं क्लॉक के जो दोनों हाथ हैं दे आर थ्री मिनट्स डिविजन अपार्ट ठीक है कोई भी क्लॉक के हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो दोनों हैंड्स हैं वो कितने अपार्ट है थ्री मिनट्स डिविजन अपार्ट देन द एंगल बिटवीन देम तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वन मिनट इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री ठीक है एक मिनट जो है वो इक्वल टू कितने डिग्री है कितने डिग्री है एक मिनट के बराबर तो उसी के लिए उसी अगर हमें ये पता होगा तब हम निकाल लेंगे ठीक है थ्री मिनट डिवीजन अपार्ट है तो हम थ्री मिनट से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये अभी हमने पहले ही कैलकुलेट करा था कि एक मिनट बराबर होता है सिक्स डिग्री ठीक है अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो हमने कैलकुलेट करा था कि वन मिनट इज इक्वल टू सिक्स डिग्री और ये हमने कैसे कैलकुलेट करा था कि वन आवर में थ्री सिक्सटी डिग्री होते हैं तो जब हम थ्री सिक्सटी डिग्री को वन आवर को हम सिक्सटी मिनट्स में करते हैं वन आवर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स जब हम थ्री सिक्सटी को सिक्सटी से डिवाइड करते हैं तो आपका सिक्स डिग्री आता है तो वन मिनट इज इक्वल टू सिक्स डिग्री ये हमने कैलकुलेट करा था अब हम इस सिक्स डिग्री को जो हमें क्वेश्चन में पूछ रखा हुआ है थ्री मिनट्स डिविजन अपार्ट तो सिक्स डिग्री को जब हम थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 18 डिग्री इज दैट क्लियर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट आपको ये याद रखना है कि 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे सो so, एक और प्रैक्टिस करते हैं हम क्वेश्चन रवीना लेफ्ट हाउस फॉर द बस स्टॉप 15 मिनट्स अर्लियर देन यूजुअल तो जिस टाइम पे रवीना यूजुअली जाती है बस स्टॉप पे उससे वो 15 मिनट्स अर्लियर गई ठीक है उसने अपना घर जो है शी लेफ्ट हर होम फॉर द बस स्टॉप स्टॉपी मिनट्स अर्लियर शी टेक्स टेन रीच द बस स्टॉप जो उसका घर है और उससे जो बस स्टॉप तक का उसको कितना समय लगा टेन मिनट्स शी रीच द स्टॉप एट मिनट्स ठीक है शी टेक्स टेन मिनट्स टू रीच द स्टॉप शी रीचेज दी एम कितने बजे वो पहुंची एट <coughs> फोर्टी पे वो पहुंची वट टाइम डज शी यूजली लीव होम फॉर द बस स्टॉप तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि यूजअली वो कितने बजे निकलती है अपने घर से बस स्टॉप के लिए बट यहां क्वेश्चन में क्या है रवीना लेफ्ट हाउस फॉर द बस स्टॉप फिफ्टीन मिनट अर्लियर दैन यूजअल ठीक है जो यूजुअल टाइम अभी हमें निकालना है और वो यूजुअल टाइम से पंद्रह मिनट पहले निकली ठीक है तो हम यूजुअली किस समय पे निकलती है ये हमें कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे बोल रखा है दस मिनट जल्दी निकली ठीक है तो रवीना लेफ्ट होम टेन मिनट्स बिफोर और वो पहुंच कितने बजे गई एट फोर्टी पे ठीक है क्वेश्चन में है शी रीचेस द स्टॉप एट एट फोर्टी तो जब हम एट फोर्टी में से टेन मिनट्स सबस्ट्रट करते हैं तो कितने मिलते हैं हमें एट थर्टी ठीक है एट फोर्टी में से आपने टेन मिनट सब कर दिए पर ये क्या बोल रहे हैं बट इट वॉज फिफ्टीन मिनट्स अर्लियर जो यूजल उसका जो टाइम है उससे पंद्रह मिनट वो जल्दी निकल गई ठीक है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है तो हम क्या करेंगे एट थर्टी में हम पंद्रह मिनट ऐड कर देंगे ठीक है एट थर्टी में हम पंद्रह मिनट ऐड कर देंगे बच्चों एट थर्टी में जब आप पंद्रह मिनट ऐड करते हैं तो कितना मिल जाता है आपको एट फोर्टी फाइव ए एम ठीक है तो वो यूजुअली कितने बजे निकलती है अपने घर से वो यूजुअली निकलती है 8:45 फोर्टी एम पे और आज के दिन के लिए वो बता रहे हैं कि वो uh, जो है शी लेफ्ट द हाउस फॉर द बस स्टॉप 15 मिनट्स अर्लियर देन द यूजुअल एंड शी टेक्स 10 मिनट्स टू रीच द स्टेशन तो यूजुअली वो कितने बजे निकलती है आज तो वो जल्दी पहुंच गई एट फोर्टी पहुंच गई बस स्टॉप पे पर यूजअली वो कितने बजे निकलती है जब हम इसके अकॉर्डिंगली पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर निकल के आता है शी यूजली निकलते निकलने का जो उसका टाइम है दैट इज़ सो so, बच्चों आज की इस वीडियो में हमने क्लॉक के सारे समझे हैं, ठीक है? कि क्लॉक में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके टाइमिंग वाले क्वेश्चंस या एंगल फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस और कैसे हम डिग्रीज कैलकुलेट करते हैं कि एक घंटे में कितने डिग्री होते हैं तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे सो so, इसी क्लॉक एंड कैलेंडर टॉपिक के पार्ट टू में हम कैलेंडर का कॉन्सेप्ट समझेंगे और कैलेंडर से रिलेटेड जैसे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो so, अगर आपने इसका पार्ट वन देखा है तो आप इसका पार्ट टू भी देखिए और आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ फ्रॉम द विनिंग एज टीम